आपने आज दूसरा वैक्सीन लगाया, आराम नहीं किया आपने? नहीं, सुबह आया घर से, हाँ गाड़ी 10 बजे तक चलाया जी, उसके बाद खाना खाया, हाँ जी, 11:30-12:30 बजे जाके वैक्सीन लगवाया, हाँ जी, अब वैक्सीन लगा के वैक्सीन सेंटर से निकला बाहर, हाँ जी, फिर पीछे से दूसरा सवारी आ गई, बोला भैया यहाँ जाना है, उसको बोला बैठो चलो, मगर डॉक्टर ने बोला आपको रेस्ट करने के लिए, बोला अच्छा, मगर आपने रेस्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया रेस्ट? अब भगवान के ऊपर हाथ में छोड़ दिया, उसी के ऊपर छोड़ दिया, अपना बाल बच्चा को पालना है, पालना है, तो हम वो आज कमाएंगे, ऊपर वाला जो करेगा वही होगा, चलो कमाएंगे, अच्छा थोड़ा कमा के जाएंगे। फिर जाएंगे, अच्छा बहुत अच्छा, ठीक, ऊपर वाला जो करेगा वो होगा, अच्छा, हाँ जी ठीक, सही बोला, हाँ चाहे तो कुछ भी नहीं होगा ना, जो होगा वो ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। अच्छा अच्छा, वैसे आपका घर बिहार का है ना? अच्छा, तो यहाँ पे आप कहाँ रहते हो? यहाँ पे मजनू का टीला तो आपको पता होगा। अच्छा मजनू का टीला तो पता है हमको, उससे थोड़ा आगे वजीराबाद है। इधर वजीराबाद, वजीराबाद, हाँ अच्छा, मजनू टीला से, हाँ और 5 किलोमीटर आगे में रहता है। अरे तो अभी आप यहाँ दिल्ली, साउथ दिल्ली से मजनू टीला जाओगे बाद में? अरे और ऐसे मान लो अभी आप यहाँ से गया इधर, मेरा रहने वाला यहाँ साउथ दिल्ली है, तो वापिस आप, आपको पैसेंजर नहीं मिला तो आप कैसे जाओगे? तो ऐसे खाली खाली चल जाएंगे, तो नुकसान नहीं होगा, तो क्या करेंगे, 40-50 रुपए का पेट्रोल लगेगा। अच्छा अच्छा, 50 रुपए का। अच्छा वैसे आप ना सर, और दिन में कितना कमा लेता है? वही जो ऊपर वाला देता है वही। नॉर्मल कितना कमा लेता है दिन में? 500-700 अच्छा अच्छा, 700 ज्यादा से ज्यादा आप 700 कमा लेता है, उसमें से कितना सीएनजी जाता है? नहीं, पूरा खाना खाके सीएनजी भरा के सब कुछ करके, हाँ जी, शाम को मेरे जेब में 500 रुपए बच जाता है। अच्छा 500 आपका प्रॉफिट, अच्छा दिन का 500 प्रॉफिट रहता है आपका, अच्छा। और आपके घर में कौन कौन है? घर में तो यहाँ पे हमारे एक फैमिली है, हाँ जी, और दो बच्चा है, हाँ जी, बच्चा लोग यहाँ पढ़ रहे हैं दिल्ली में? यहाँ पे है, हाँ यहीं पे पढ़ा, पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है ना? हाँ अच्छा, आपका स्कूल बंद है ना? हाँ जी, दूसरे तो सस्ता स्कूल है। कितने साल का है आपका बच्चा? एक बच्चा है आपका 2 साल का, एक है, हाँ जी, और 9 साल का, 8 साल का, हाँ जी, और एक है 5 साल का, एक 9 साल का, एक 5 साल का, लड़का है कि लड़की है? दोनों लड़का है, हाँ लड़का है, अच्छा ठीक ठीक, अब दूसरा कुछ नहीं होना है, वही दो ही है बस। अच्छा दो ही अब काफी है, अच्छा ठीक, पैसों से कहाँ से आएगा, आना पड़ेगा। और कोरोना, कोरोना में लॉकडाउन हुआ था ना दिल्ली में, तो आप कहाँ था उससे? गाँव गया था, अच्छा अच्छा ठीक किया आप। कब आया दिल्ली में वापिस? अभी हम जुलाई में आ गया, जुलाई में आया था, ओके, आके आप हो रहा है 5-6 महीना, अच्छा ठीक। तो ये अभी जो लॉकडाउन खुलने के बाद आपका ये ऑटो का रिक्शा बिजनेस थोड़ा अच्छा चल रहा है कि पहले से अच्छा कि खराब हो गया? लॉकडाउन खुला तो थोड़ा दिन खराब था, हाँ जी, फिर बीच में सही हो गया, अच्छा अच्छा, फिर अभी खराब हो गया, अच्छा सर्दी में, हाँ 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 सर्दी में खराब हो गया। तो आप और न्यू ईयर मानते हैं आप? न्यू ईयर कोई त्योहार नहीं है, हाँ नया वर्ष जो बता रहे हो ना, जी जी, वो त्योहार थोड़े है, तो क्या है? अरे साहब वो नया साल जो कहते हैं ना, हाँ जी, कि आज साल का पहला दिन है, हाँ आज हम अच्छा खाना खाएंगे, हाँ जी, और घूमेंगे, हाँ और आराम करेंगे, पार्क जाएंगे, हाँ क्योंकि मेरा पूरा साल ऐसे रहेगा। अच्छा अच्छा, वो कोई त्योहार नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, न्यू ईयर के दिन में जो आप थोड़ा खाना अच्छा खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वो अपना सोच है। अच्छा सोच है, वो कहीं लिखा नहीं है, हाँ हाँ, पहले इसको कोई नहीं मानता था, हाँ अब लोगों के पास जब पैसा हो गया, फैसिलिटी बढ़ गई ना, हाँ जी हाँ जी, अब नया सब लोग मानते हैं। अच्छा अच्छा, तो लोग आजकल लोग बोलते हैं कि अगर न्यू ईयर के दिन में खाया पिया घूमा
तो इस साल भर आप घूमेंगे? अच्छा, वैसे कुछ नहीं है, आप नहीं मानते हो? मगर आप न्यू ईयर के दिन में तो आप थोड़ा परिवार के साथ कुछ तो करता होगा? आप परिवार के साथ कुछ परिवार क्या करता है ना? हाँ जी, उनको मैं बोल देता हूँ, देखिए हम लोग खाना खाते हैं, मछली खाते हैं, बोलता है कि मछली बना दो, उसके बाद में उसको बोलते हैं आलू का पकौड़ा, गोभी का पकौड़ा, सेवई बना लो, हो पुड़िया बना लो और खाओ। अच्छा, और क्या करना है? वही तो है न्यू ईयर, वही है। हाँ, खाना अच्छा खाओ, घर में रहो, परिवार के साथ खुश रहो, वही न्यू ईयर। आप घर में पूरी छानो, हाँ पूरी छानो तेल में, हाँ और सेमी जो बनता है ना, हाँ सेमी दूध डाल के, हाँ वो बनाओ, या खीर बनाओ, हाँ पकौड़ा बनाओ, हाँ मटन चिकन खाते हो तो वो बनाओ, हाँ जी, और खाओ पियो, वही न्यू ईयर से। हाँ वही न्यू ईयर है ना, वो तो कोई त्यौहार नहीं। हाँ सही बात बोला आप, आप परिवार के साथ रहो और खाना अच्छा खाओ, वही न्यू ईयर है ना। अब उसको कैसे मनाते हैं? हाँ उसको अभी नया मनाने का तरीका क्या निकला है? जी जी, सब लोग क्या करता है घर में, हाँ एक किलो बकरा का मीट ले जाएगा, हाँ दो किलो ले जाएगा जी, उसको खूब भूजेगा, हाँ इतना बड़ा बोतल दारू का ले जाएगा, हाँ और उसको रखेगा। अच्छा, और मीट खाएगा, दारू पिएगा, हाँ वो न्यू ईयर से। न्यू ईयर से तो आप ऐसे नहीं मनाते न्यू ईयर? आप न्यू ईयर कैसे मनाते हो? पूरी उड़ी बना, सब्जी बना, बस पूरी उड़ी सब्जी और कुछ मीठा में जो मर्जी करे वो बना। अच्छा, मीठा में कौन सा पसंद है आपको? खीर बना ले, सेमिया बना ले, ऐसे कुछ भी बना ले। ओके, और आपका बच्चे को कौन सा मीठा पसंद है? पसंद है यही सब वो लोग ही खाता है। कौन सा? जो ये लड्डू रसगुल्ला। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक दूसरा बंदा आके निकल जाएगा। हाँ हाँ, फिर चले जाओ। अच्छा अच्छा, बिल्ली रास्ता काटने से क्या होता है? इसका पहले से लोग मानता। अच्छा, अगर बिल्ली रास्ता काट लिया, आप चला गया तो आपका क्या दुर्घटना ऐसे कुछ होता है? कुछ खतरे का बात रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, ये झाड़ के नीचे रोक लेना। आगे वाला ही इसमें, बस बस उधर आगे रोक देना इसमें। हाँ जी, हाँ जी। किराया लगता है इसका? किराया नहीं लगता है, हम लोग मंदिर है ना। अच्छा, फ्री है। अच्छा, भगवान भूत का मंदिर है। हाँ, भगवान भूत का मंदिर है। ये आपका हो गया 150 ना? हाँ, ये लीजिए 150। और ये आपको मेरी तरफ से क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए है ना, आपके बच्चे के साथ मिठाई खाना और खाना अच्छा से खाना, ठीक ना? आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, हाथ मिला लो। मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है भैया, ठीक है भैया, तो अब मैं जाता हूँ। धन्यवाद, हाँ धन्यवाद, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपका शुभ नाम पूछना भूल गया। कमलेश। अच्छा, कमलेश से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है भैया, तो धन्यवाद। ठीक है।